चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का पंजाबी न्यूज़ से स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र कुछ खास हेडलाइंस से। दिल्ली के चीफ सैक्रटरी दियां वधियां मुश्किलां, केजरीवाल ने एल जी नूं भेजी सस्पेंड करन दी सिफारिश। आम आदमी पार्टी ने ईसी नूं लिखी चिट्ठी, भाजपा ते केजरीवाल खिलाफ अपमानजनक मुहिम दा लगा इल्जाम। दविंदर तोमर विवाद ने फड़ी अग, मामले च ना आउण ते मनजिंदर सिरसा ने दिता स्पष्टीकरण। ते हुण खबरां विस्थार नाल। दिल्ली दे मुख सकत्तर नरेश कुमार नाल जुड़े कथित भ्रिष्टाचार मामले च शुरुआती जांच तो बाद चौकसी मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं मुढ़ली रिपोर्ट सौंपी सी, जिस तो बाद अरविंद केजरीवाल ने चौकसी मंत्री की रिपोर्ट नूं एल जी कोल भेज दिता है। इस दे नाल ही सीएम ने मुख सकत्तर नूं तुरंत अहुदे तो हटाउण ते सस्पेंड करन की सिफारिश की है। उत्थे ही सीएम ने आतिशी नूं ए रिपोर्ट सीबीआई ते ईडी नूं भेजन दे आदेश दिते ने। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ते उसके राष्ट्रीय कन्वीनर ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खिलाफ सोशल मीडिया ते अपमानजनक मुहिम चलाउण दा दोष लगाया ते कहा है कि चोण कमिशन नूं शिकायत करनगे। एक पत्रकार सम्मेलन नूं संबोधन करदे होए आप नेता राघव चड्डा ने कहा कि उन्होंने चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिख के मुलाकात दा समां मंगिया तां कि पार्टी दा एक प्रतिनिधि मंडल शिकायत दर्ज करवा सके। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र दविंदर प्रताप सिंह तोमर दियां दो वीडियो सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल हो रही ने, जिस एक वीडियो च वह 500 करोड़ रुपए के लेन देन की गल कर रहे हैं अते उस तो पहला आए वीडियो च भी करोड़ों रुपए की डील की गल करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो च गलबात करने वाला शख्स अपना नाम जगमनदीप सिंह दस रहा है, जो कनेडा का रहने वाला है। वह कहता है कि वीडियो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र दविंदर सिंह तोमर का है अते वीडियो च दूसरी आवाज़ उसकी है। वीडियो की गलबात सही है, उस खनन की कंपनी तो पैसे का लेन देन होया। उत्थे ही इस मामले च भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ते गुरद्वारा कमेटी का नाम भी सामने आउण ते सिरसा ने सारे दोषां नूं बेबुनियाद दस्या है। उन्हां दा कहना है कि ना वीडियो च दिसण वाले शख्स नूं उह जाणदे ने ते ना ही मंत्री तोमर नाल कदे खास मुलाकात होई है। उन्हां दा कहना है कि मेरे प्रधान रहिंदे दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैंक खात्यां च कदे 20 लाख रुपए तो वध दी ट्रांजैक्शन नहीं होई है। कल दी एक वीडियो कांग्रेस दे ट्विटर हैंडलों पर भी और आम आदमी पार्टी के मंत्री भी शेयर कर रहे हैं, जिस अंदर बड़े हासोहीणी गल की जा रही है। एक आदमी पहला वीडियो बनाउंदा है और फिर वो मेरा नाम लैके कहता है कि असी नरेंद्र सिंह तोमर नूं पैसे देंदे सां 500 करोड़, फिर कहता 1000 करोड़ नहीं मामला है, कहता 10000 करोड़ का मामला है। और एक कांग्रेस के लोग और उन्होंने ट्वीट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, तुहानू गुरु घरां नूं तुसीं बदनाम करते जे, गुरुद्वारा कमेटियां नूं तुसीं बदनाम करते जे, तुहाडी लड़ाई मेरे नाल लड़ो, मैं सामने खड़के रोज़ लड़दा तुहाडे खिलाफ़। और जिहड़ा ये बंदा बोलता पिया है नरेंद्र सिंह तोमर जिहड़े कि मंत्री नूं नाम ले रहा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश इलैक्शन हो रही है, कमलनाथ के खिलाफ़ मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा, मैं कल्ला आदमी हाँ जिसने वो खिलाफ़ 1984 के केस बंद पे केस खुलवाए और अज वो केस उत्ते चलते पे ने, तकलीफ होनी जायज़ आ। पर मैनू हैरानगी इस गल दी जिहड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी की पूरे साल की आमदन जिहड़ी 90 करोड़ रुपया, तुहाडी जानकारी वास्ते 90 करोड़ रुपया। और तुहानू मैं ये भी दसदा कि गुरुद्वारा कमेटी हुण तक ता जिंदगी 16 करोड़ रुपया विदेशों तो आया टोटल हुण तक ता जिंदगी। और वो FCRA का अकाउंट हुंदा है जिहड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया च हुंदा है, किसी प्राइवेट च नहीं बैंक अकाउंट हो सकता। और मैं फिर भी सब वास्ते खुला सद्दा दिंदा, कल भी मैं कहा सी, मैं जथेदार साहब नूं बेनती की ट्वीट दे राही, मैं हुण फिर बेनती करना जथेदार साहब इन्हां चीज़ों का आप जी नूं संज्ञान लेना चाहिए। ये लोग केवल और केवल जिहड़े तुहाडी कौम की लड़ाई लड़ते पे ने, जिहड़े 84 दी लड़ाइयां लड़न लगे मेरे वर्गे कई होर होणगे, उन्होंने केवल इस करके बदनाम किया जाए क्योंकि वह लड़ाई लड़ते पे ने। और ये लोग आम आदमी या कांग्रेस उन्हें ट्वीट करके वीडियो पावे, मैं आप जी को बेनती करता आप जी ने खाते मंगाने चाहिए। और दो दिन के अगे अगे संगत में भी आप जी मंगा के जानकारी देनी चाहिए कि लोग जोड़े पाप करते पे गुरु घर बदनाम करते पे आ, ताकि उन्होंने जवाब दिता जा सके। और मैं फिर संगत में यह विश्वास न कहना चाहना है ये जोड़े लोग बेईमानिया ठगियां मारते हैं, परपज़ केवल एक आ कि मैनू बदनाम किया जाए, मैंने रोकया जा सके, पर मैं रुकने वाला नहीं। ये जिन्ना मर्जी जोर ला लेना, मैं इन्होंने रुकया रुकता नहीं, पर मैं संगत में विश्वास दवाना है
अकाउंट्स खुले ने, जिदा जी करता ना 100 रुपया अंदर आ सकता है ना 100 रुपया बाहर जा सकता है, पर फिर भी संगत को भी जरूर यह चैक करना चाहिए है कि जेड़े ऐसे घटिया लोग यह जी बयान बयान दे देंगे ताकि तुसी वाला खुद मुंह तोड़ जवाब दे सको। भारत और न्यूजीलैंड वनडे विश्व कप का पहला सैमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से खेडा जा रहा। भारत ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ते शुभमन गिल की शानदार शुरुआत तो बाद विराट कोहली ते श्रेयस अय्यर दियां सैकड़े वालियां पारियां दी बदौलत 4 विकटां दे नुकसान ते न्यूजीलैंड नूं 398 दौड़ां दा चुनौतीपूर्ण टीचा दित्ता है। फिलहाल मैच जारी है, अज दे मैच जित्तण वाली टीम फाइनल लई क्वालीफाई करेगी। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब नांदेड़ विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी दिवस पुरातन मर्यादा अनुसार प्यार उत्साह धूमधाम ते चढ़दी कला नाल मनाया गया। पुरातन चली आ रही मर्यादा अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रहनुमाई हेठ गुरद्वारा श्री नगीना घाट साहब तो सवेरे 8 बजे गुरता गद्दी का नगर कीर्तन आरंभ होया। सुनहरी सुंदर पालकी वाली गड्डी नूं सुंदर फुल्लां नाल सजाया होया सी। गतका पार्टियां, भजन मंडलियां, गुरु नानक नाम लेवा जथेबंदियां, बैंड बाजा पार्टी ते विश्व के कोने कोने चो हजारां शरतालु ते हजूरी संगतां इस नगर कीर्तन च शामिल होईयां। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल साहब नांदेड़ दे मुख प्रबंधक डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जी साबका IAS नगर कीर्तन च शामिल होए ते हजूर सच्चे पातशाह नूं रुमाला भेंट कीता। सिंह साहब ज्ञानी कश्मीर सिंह जी हैड ग्रंथी साहब ने उन्होंने हार ते प्रसाद नाल नवाजया। इस मौके उन्होंने नाल सरदार जसवंत सिंह बोबी, सरदार ठान सिंह बुंगई, जैमल सिंह ढिल्लों PA आदि भी हाजिर सन। उत्थे ही अदारा चढ़दी कला टाइम TV दे संपादक पदम श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते डायरैक्टर चढ़दी कला टाइम TV सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी ने भी समागम च विशेष तौर पर पहुँच के अपनी हाजिरी लगवाई ते गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त कीतियां। इस समागम मौके सरदार विजय सतबीर सिंह चेयरमैन तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब नांदेड़ ने आईया हुई संगतां नूं जी आया किया ते समूह संगतां नूं गुरता गद्दी दिवस दियां वधाईयां दित्तियां। गुरता गद्दी गुरपुरब उपर मैं सारिआं नूं लख लख वधाई दिंदा हाँ। अज दे इस पवित्र मौके ते तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे संगतां धूमधाम दे नाल इह पवित्र दिन नूं मना रहीआं हन। इस मौके ते मैं सारिआं नूं और दुनिया च जिथे जिथे भी संगतां विराजमान हन, बैठीआं होईआं हन, सब नूं हार्दिक शुभेच्छावां दिंदा हाँ ते वधाई दिंदा हाँ। जिला पटियाला दे पासी रोड ते बीती रात कुछ नौजवानों ने एक व्यक्ति की छुरा मार के हत्या कर दी। मृतक की पहचान प्रीतम चंद वजो हुई है। इस घटना दौरान मृतक का लड़का भी जख्मी हो गया सी, जेड़ा कि सरकारी रजिंद्रा हस्पताल विखे जेरे इलाज है। थाना सिविल लाइन के SHO हरजिंदर सिंह ढिल्लों ते पुलिस चौकी मॉडल टाउन के इंचार्ज रणजीत सिंह रितु पुलिस फोर्स समेत घटना स्थान ते पहुंचे। उत्थे ही थाना मुखी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हाँ जी, एक लड़ाई झगड़ा होने तो इंटीमेन मिली है सूँ, जिसे पता लग्या एक रजिंद्रा हॉस्पिटल इंटीमेन आई है भी अपना प्रीतम चंदना के एक व्यक्ति की डैथ होगी। बाकी मामले की असं पड़ताल कर रहे हैं, बाकी जो भी बयानत परिवार वालों होंगे वो मन की कानूनी कार्रवाई सख्त तो सख्त की भी आऊगी। जानकारी की होता है पहले कारण की सी भाजी है? कारण असी उन्हों का बेटा भी नाल एडमिट है, उत्थे दाखिला रजिंद्रा चे बयान कलमबंद करके जो भी बयानत लिखाओगे वो मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पटियाला दे कोर्ट कॉम्पलैक्स दे बाहर लड़की दे परिवारक मैंबरां दे वल्लों सुरक्षा लैण दे लई कोर्ट दे विच आए नवे व्याहे जोड़े उपर हमला कर दिता गया ते जबरन कुड़ी नूं नाल लै गए। जानकारी अनुसार लड़की आरती जो कि जागो पिंड दी रहण वाली सी ते उसदी उमर 20 साल दे करीब सी, जो कि कुछ दिन पहला एक गुरु घर दे विच अपने पसंदीदा लड़के गुरविंदर दे नाल व्याह करवा के घरों लापता सी। कुड़ी दे परिवारक मैंबरां वल्लों इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने दे विच लिखवाई हुई सी ते कल जदों कुड़ी दे परिवारक मैंबरां नूं पता लगा कि लड़की हाई कोर्ट दे विच लगी प्रोटैक्शन की अर्जी दे उपर अज पटियाला दी कोर्ट दे विच पेश होवेगी तां परिवारक मैंबरां दे वल्लों लड़की ते लड़के दे उपर हमला कर दिता गया। लड़की नूं जबरन तौर ते उत्थों लै गए। जिस समय लड़की दे परिवारक मैंबरां दे वल्लों हमला किया गया तां उस समय लड़के गुरविंदर ने भज के वकील दे मेज दे हेठां लुके अपनी जान बचाई। जानकारी अनुसार जदों इह सारा वाका होया तां पुलिस भी मौके ते ही मौजूद सी। इस संबंधी पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज कर लिया गया ते लड़की दी फिलहाल भाल जारी है। इहदे च जी कार्ती नां दी कुड़ी है, डॉटर ऑफ लाली राम, 20 साल दी उम्र है, पिंड जोगी थाना मुल्लापुर दी रहण वाली है जी। इहनां ने पहलां कुड़ी महिंद्रा कॉलेज ते पढ़न आई सी, उदों मिसिंग हो गई सी। उहनां ने दरखास्त कंसर्न थाने दिती सी आपदे ते मुंडा कुड़ी ने आपस च इन्हां दे आपस रिलेशनशिप करके इन्हां ने विआह करा लिया सी ते इन्हां ने हाई कोर्ट दे विच आपदी प्रोटैक्शन संबंधी भी दरखास्त दित्ती, जिहदे संबंध च बयान करवाउण लई कोर्ट चाहिए सी। उत्थे जदों कुड़ी वालिआं नूं पता लग्गिआ, कुड़ी दे पेरेंट्स नूं पता लग्गिआ वी उत्थे बयान करवाउण आए हैं तां सानूं
एडवोकेट साहब का फोन आया कि कोई साढ़े कलाइंट ना आगे बदतमीजी कर रहे हैं, जिसके संबंध में उसे ड्यूटी अफसर भेजे थे। पर जब हम ड्यूटी अफसर उ पहुंचे जी उदों नूं 10 तो 15 जनानियां ते 5-7 बंदे सी जिहड़े कि कुड़ी की एक्सटेंडेड फैमिली उह सी जिहड़े कुड़ी दे नेड़े दे रिश्तेदार ते माता पिता वह कुड़ी नूं धक्के नाल उत्थों लै गए। जिहदे संबंध में जिहड़ा गुरविंदर मुंडा है इहदा कुड़ी दा हसबेंड है जिहदे नाल 4 दिन पहलां विआह होया उन्हें साढ़े को बयान लगा दिता जिहदे उत्ते असीं बनती कार्रवाई कर रहे। बाबा वरिंदर सिंह समेत 4 सेवादारां दी मंगलवार देर रात सड़क हादसे च 5 सिख नौजवानां दी मौत हो गई सी। सारे मृतक नौजवानों की उम्र 25 साल तो घट सी जो बाबा वरिंदर सिंह समागम का सद्दा देन कैथल विखे गए सन ते वापसी ते अंबाला चंडीगढ़ हाईवे उत्ते उन्हां नाल इह सड़क हादसा वापरिया। इन्हां नौजवानों का पिंड सलपाणी कुरक्षेत्र के गुरद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी विखे अज अंतिम संस्कार किया गया। जिहड़ी घटना है आवारा पशुओं के नाल बहुत ज़्यादा अज घटिया जा रही ने, ज़्यादा एक्सीडेंट इस कारण हो रहे हैं। मेरी तो यही दरखास्त है कि इन्हों का जिहड़ा प्रबंध उचित प्रबंध कर किया जाए ताकि साड़ी अज एक नस्ल खत्म हो गई है। बिल्कुल परिवारों के अज 5 परिवार खत्म हो गए हैं क्योंकि साढ़े को एक एक जी है, एक एक बेटा सारे को, अज 5 परिवार दियाँ अज खत्म हो गए हैं। इस करके सरकार को बेनती है कि इन्हों का उचित प्रबंध किया जाए ताकि इस परिवारों के एक्सीडेंटा तो सब इस समाज में इस परिवारों को बचाया जा सके। चंडीगढ़ लुधियाना नैशनल हाईवे से ट्रैक्टर ट्राली से मोटरसाइकिलों से बस इनोवा कार के हादसे दौरान कई व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर सामने आई है। इस मौके सिविल हस्पताल मोरिंडा के SMO ने दसिया कि उन्हों को 4 वाहनों के एक्सीडेंट दौरान 15 के करीब जख्मी हुए व्यक्ति इलाज लिए आए सन, जिन्हों विचों 9 के करीब व्यक्तियों मुढ़ली सहूलत दे के चंडीगढ़ हस्पताल लिए रैफर कर दिया गया। इस संबंधी जानकारी देंद्या सिटी थाना मोरिंडा के इंचार्ज इंस्पैक्टर सुनील कुमार ने दसिया कि इस हादसे च जख्मी हुए व्यक्ति इलाज लिए सिविल हस्पताल मोरिंडा विखे भेजा गया है, बनती कार्रवाई शुरू कर दी गई। और ट्रैली जा रही थी जो खड़ी है ट्रैली सामने, उन्हें पहला मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पाया गया उन्होंने साइड मारी, मोटरसाइकिल छिड़ था थले, पर एकदम ड्राइवर साइड मोड़ी तो मागरे से नोवा आँदी सी, नोवा के मागर मैं सगा एकदम जो कट मारे उन्हें ट्रैली हफल की नोवा ने ब्रेक मारे तो वो मागरी मैं सगा तो मागरी मेरी गड्डी नोवा जी बजी आ गई तो जेडे मोटरसाइकिल कट मार के गया सैट के गया मोटरसाइकिल वो फुट के गया साड़ी नोवा गड्डी के मूहरे आ गए कुछ तो मेरी गड्डी के मूहरे आ गए जेडे ट्रैली वाला मोटरसाइकिल कट मार के गया नोवा दूसरे पास जा डिगी। हाँ मगर जो गड्डी बची नोवा दूसरे पास कि स्पीड सी अपनी गड्डी का नॉर्मल चढ़ाई चढ़ रही है जी, नॉर्मल 45-40-45 स्पीड सी चढ़ाई चढ़ रही है पुल की, तुम्हें पता भी ट्रैफिक कितनी होंगे पुल से 40 स्पीड ब्रेक नहीं लगी जी, ब्रेक लगे जी जो ब्रेक लगे अचानक एक सैकेंड की होंगे जी, एक सैकेंड के बच्चे हो गया सारा कुछ भरे गड्डी। जदों कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसनू कहंदे ने कि रोटी ना खाओ तो डबल रोटी खा लो, हर बंदा चाह वाली रेहड़ी ते खड़ के चाह दी चुस्की नाल फैन भी खांदा है ते बच्चे क्रीम रोल बड़े चाह दे नाल खांदे ने। ये डबल रोटी किस तरह की गंदी जगह ते बनदी है, इस मामले नू लैके अज होशियारपुर जिला सेहत अफसर डॉक्टर लखवीर सिंह वल्लों शिकायत दे आधार ते नलोईयां चौंक विखे छापा मारिया गया ते फूड टीम दे होश उड़ गए। ये बेकरी इन्नी ज़्यादा गंदी सी कि जानवर रखने वाली जगह भी साफ होंदी है। इस दे चलदियां जिला सेहत अफसर वालों क्रीम रोल ते फैन दा सैंपल लैके कटिया मैदा नष्ट करवा बेकरी ते पिया सारा माल जब्त करके सील कर दिता गया। बेकरी मालक मुहम्मद असरीफ दा अनहाइजीन दा चलान कट दिता गया ते फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बनाउण ते बेकरी दी साफ सफाई वास्ते उसनू 7 दिन दा समां दिता गया। इस मौके फूड सेफ्टी अफसर मुनीश सोढी नरेश कुमार ते मीडिया विंग वालों गुरिंदर शाह ने भी हाजिर सन। हाँ देखो ना उत्ते जाले है ना, जाले लगे हुआ एक किचन इत्थे तैयार करदा मटीरियल, फिर बंद बनाऊगा फैन बनाऊगा क्रीम रोल बनाऊगा, आया इधर आ रखे इधर देखो हालात, आहा तमाकू मली जाने इन्होंने इधर आ सारे बना के रखे हुआ जेडे पिंडा च बेचारे बच्चिया ने खाने आ क्रीम रोल आ बंद हुआ पेशेंट नू कह देना बेचारे ने पेशेंट ने ब्रेड खाना आ जग देखो ता आ जग आ देखो आ जग दे हालात है जेडे जग ना है पानी बना रहा तो गंदे कंबलां च इन्हें ढकिया होया जेडे कंबल बंदा अपने उत्ते भी नहीं लै सकदा सौण लई नहीं स्किन लई नहीं जेडे फिट खुरक होण लग पैणी जदों लै ओह जेडे कंबल है ओह माल असीं डिस्ट्रॉय कर दिता होणे ते जेड़ा दूजा सैंपल आला वह फिट आऊगा तो देखांगे जिद्दां दा रिजल्ट आऊ उदां दी कार्रवाई करांगे। अनहाइजीन का चलान कटता इंप्रूवमेंट नोटिस देता, इंप्रूवमेंट नोटिस का भी मतलब यही है
ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚਣ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਨਾ ਜਾਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮਾਰੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸੇ ਖਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਵਨ ਰਟਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਕੀ ਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 30-31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਟਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਟਾ ਦੇ ਭੱਲਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਟਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਟਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ 9500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਧੀ ਰਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੀਤ ਧੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਧੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤ ਧੀ ਰਾਣੀ 'ਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰੋਂ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਸਬਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ HDFC ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ HDFC ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੁੰਦਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 4 ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
इसे तहत स्वर्गवासी सरदार गुरबचन सिंह सेवा समिति वल्लों वल्लों उसारे गए चार कमरों का उद्घाटन मानयोग डिप्टी कमिश्नर श्री शौकत अहमद परे, जिला सिक्ख्या अफसर श्री शिवपाल गोयल जी ते सरदार गुरमीत सिंह मान वल्लों वल्लों किया गया। इस समय विद्यार्थियों वल्लों बहुत ही काबिले तारीफ रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। स्टेज पर बोलदिया गुरमीत सिंह मान ने अपन दिली भावनावान का प्रगटावा करदिया कहा कि वह अपने पिंड के स्कूल में पंजाब के नक्शे से लैके आना लोचते हैं तो पिंड के विद्यार्थियों IAS ते PCS वर्गिया उच्चिया पदवियों से देखना चाहते हैं। जोड़ा अज का साड़ा प्रोग्राम है, ये सालाना प्रोग्राम होंगे हर साल साढ़ा, जोड़े बच्चे साढ़े छेवीं तो लेकर दसवीं तक फस्ट सैकेंड थर्ड आते हैं, असी उन्होंने सन्मान देना होंगे संस्था वालों ग्राम पंचायत वालों। गुरमीत सिंह जी मान तो दविंदर सिंह जी मान जिहड़े साढ़े संस्था चला रहे हैं तो साढ़े वलंटीयर वो सारे के सहयोग नाल एक साल एक प्रोग्राम कराने जिते बच्चों दी एक्टिविटियां स्कूल की प्रोग्रेस किए हुए खर्चे आने वाले समय का भविख का जिहड़ा सारा उलीकिया जाता प्रोग्राम जी असं की करना है। तो अज उस तरह असं यह प्रोग्राम हर साल की तरह उलीकिया जिदे साढ़े DC साहब अहमद परे जी शौकत अहमद परे जी वो साढ़े को विशेष तौर पर पहुँचे से साढ़े को बख-बख संस्थावां दे अहुदेदार साहबान पहुँचे हुए हैं। समुचे नगर वालों हर साल बल चढ़ के मनाया जाता है, उस संबंध में अज इकट्ठे हुए स्कूल दे विच क्योंकि संस्था ने काफ़ी सारे काम किए ने, नवे चार कमरे बनाए है, रसोई का बच्चों के डाइनिंग का प्रबंध किया, उन्होंने लिए कॉमन फैसिलिटी का प्रबंध किया, बाथरूम वगैरह सब चीज़ों तो जोड़े वो सारे काम किए हुए उन्होंने उद्घाटन अज DC साहब ने बठिंडा ने किया तो वो संबंध के और प्लस एनुअल फंक्शन जो होंगे जिते बच्चों जोड़े चंगी प्राप्तियां करते हैं उन्होंने सम्मान किया जाता है वो अज का प्रोग्राम उलीकिया गया जी। जलंधर च लुटपात अते चोरी दी वारदातां लगातार वधदियां जा रहियां ने, जिसनूं लैके पुलिस प्रशासन वल्लों सख्ती भी कीती गई है, पर फिर भी चोर वारदात नूं बेखौफ होके अंजाम दे रहे ने। बीती देर रात जलंधर दे अमर नगर च स्थित एक मोबाइल दी दुकान तो अलग अलग कंपनी दे मोबाइल ते 15 to 20 हज़ार रुपये कैश की चोरी करके चोर फरार हो गया। इस घटना की CCTV सामने आई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ते जांच की जा रही है। सर की घटना की हुई है जी? इतने घटना मेरी शॉप है अमर नगर प्रीत गिफ्ट सेंटर, जिदा मैं सवेरे आके शॉप खोली तो देखा कि इतने समान सारा ही गायब सेगा जी। फिर असी पुलिस ने भी रिपोर्ट की तो उपर भी चेक किया, उपरों कुंडे तोड़ के तो अंदर बंदे आए थे दो, CCTV फुटेज भी हैगी है जी। ये किन्ने बजे की घटना है? रात 11:55 के दुकान के अंदर से शॉप से। तो तुम दुकान किन्ने बजे बंद की? दुकान असी की 9 बजे। 9 बजे बंद की जी। पर जिथो आए इना आसान नहीं आना, 20 फुट की कंध है टप के अंदर आए। सर कि नुकसान हो गया जी? नुकसान सर हूँ असं हम तो हरी हुए पर कौन पुराने फोन लै गए वह कोई हिसाब नहीं, 5-7 लाख का तो चलो नॉर्मली सू लगता, बाकी वादू घट तो हम देखा ना की। तरन तारण के विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल ने अज सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल पदरी कलां विखे की चार दीवारी का नींह पत्थर रख्या। इस मौके पर अपने संबोधन च विधायक डॉक्टर सोहल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार वालों स्कूल की सुरक्षा लिए हर स्कूल विखे चार दीवारी की सहूलत प्रदान करने का फैसला किया गया। इस लड़ी तहत अज पदरी कलां की स्कूल की चार दीवारी का नींह पत्थर रख्या गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट से 25 लाख रुपये खर्च आएंगे, इस वास्ते 5 लाख की पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है। विधायक डॉक्टर सोहल ने कहा कि पंजाब सरकार वालों सिक्ख्या च क्रांति लियाउण लई स्कूल ऑफ एमीनेंस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह अपने बच्चों वध तो वध गिनती च नेड़े दे सरकारी स्कूलों च दाखिल करा के सरकारी सहूलतों का लाभ लैन। जिला फिरोजपुर च झोने की पराली नूं अग ना लगाउण लई किसानां नूं जिला प्रशासन वल्लों लगातार जागरूक किया जा रहा है। पराली साड़न दे रुझान नूं तुरंत रोकण लई सुप्रीम कोर्ट अते नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे दिशा निर्देशों की पालना करदिआं डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश तिमान ते SSP श्री दीपक हिलोरी वल्लों जिले की सब डिवीजन गुरु हर सहाय दे पिंड निधाणा गोलू का मोड़ जीवा अराई बोड़ा मोतीवाला आदि समेत होरना वख-वख पिंडां दा दौरा किया गया ते किसानां नाल गलबात करके उन्हां नूं पराली ना साड़न ते योग प्रबंधन संबंधी प्रेरित किया गया। डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश तिमान ने किसानां नूं दस्सिया कि प्रशासन वल्लों अग ना लगाउण संबंधी दफा 144 अधीन हुक्म भी जारी किए गए ने, इन्हां हुक्मां दी उलंघना किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जे SSP साहब नाल ते SDM साहब नाल असीं पूरा
ਗੁਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜੀਵਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੌਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਮ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਹਿੱਤ ਸਮਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਗੌਤਮ ਜਨਹਿੱਤ ਸਮਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਵਾਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਨਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੋਲਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਰਾਥੋਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਰਾਥੋਨ 'ਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਰਾਥੋਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮੈਡਮ ਅਰਚਨਾ, ਪੰਜ ਰਤਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਤਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਲਵਾਨ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਸੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ, ਸਤੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਵਾਲਾ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗੇਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੰਚਨਾ ਗੌਤਮ ਪੰਜ ਰਤਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਅਮਾਊਂਟ। ਦੂਸਰਾ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ। ਜਨਹਿੱਤ ਸਮਿਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਲਖਾਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ।